हमेशा प्यारी सी हंसी और मजाकिया अंदाज रखने वाले नितेश पांडे अब हमारे बीच नहीं रहे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस समय उन्हें कार्डिक अरेस्ट आया उस समय वो इगतपुरी में थे शूटिंग के सिलसिले में। नितेश पांडे के निधन ने टीवी से लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री तक को अंदर से हिलाकर रख दिया है। नितेश पांडे ने टेलीविजन के साथ साथ बॉलीवुड और थिएटर में भी काफी काम किया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर थिएटर आर्टिस्ट ही की। वो 1990 में थिएटर से जुड़े हुए थे और साल 1995 में उन्हें टीवी शो तेजस से अपना पहला ब्रेक मिला जिसमें उन्होंने एक जासूस की भूमिका निभाई थी। 25 सालों से ज्यादा के लंबे करियर में नितेश पांडे ने 10 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उन्होंने शाहरुख खान से लेकर सलमान खान, आयुष्मान खुराना जैसे एक्टर्स के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर किया। वो शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम में उनके असिस्टेंट बने तो वही सलमान की दबंग 2 में डॉक्टर बन उनका इलाज किया। वही राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर स्टारर बधाई 2 में उन्होंने भूमि के पिता की भूमिका निभाई थी। नितेश को हाल ही में सीरियल अनुपमा में देखा गया था जहां उन्होंने अनुज के खास दोस्त धीरज की भूमिका निभाई। एक्टर का रोल काफी अहम था और फैंस उन्हें इस किरदार के लिए काफी पसंद कर रहे थे। अनुपमा के अलावा नितेश कई सारे टीवी शोज में भी काम कर चुके हैं। नितेश पांडे की पहली पत्नी का नाम अश्विनी कालसेकर है जो की एक जानी मानी एक्ट्रेस है। अश्विनी कालसेकर से नितेश पांडे ने साल 1998 में शादी की थी लेकिन 4 साल बाद इनका रिश्ता टूट गया और 2002 में उन्होंने अपने रास्ते अलग कर लिए। इसकी वजह क्या थी इसकी जानकारी पब्लिक नहीं है। वहीं उनकी दूसरी वाइफ का नाम अर्पिता पांडे है और उनका एक बेटा भी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नितेश का एक प्रोडक्शन हाउस है जिसका नाम है ड्रीम कासल प्रोडक्शन। नितेश ने आखिरी वीडियो 21 फरवरी को अपने इंस्टाग्राम पर डाला था। इस वीडियो में नितेश किसी आउटडोर लोकेशन पर हैं और बैकग्राउंड में गाना बज रहा है। इस वीडियो में उनका डॉग भी नजर आ रहा है। 8 जनवरी को उन्होंने रूपाली संग फोटो शेयर की थी और उनके साथ काम करने की खुशी कैप्शन के जरिए जाहिर की थी। हमेशा मुस्कान के साथ दिखने वाले नितेश का यूं चले जाना इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही बड़ा लॉस है।